वेलकम व्यूअर्स, अभी हम बनाएंगे गुलाब जामुन, वो भी सूजी के। तो पैन चढ़ाया है और शुगर है हमारे पास 1 गिलास, इसमें ऐड करेंगे। उसी माप का हमारे पास 1 गिलास पानी है, दोनों की क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए, जितनी शुगर हो उतना पानी डालेंगे। ऐड हो गया पानी, अब इसको मिक्स करेंगे और शीरा बनाएंगे। हमारे पास 3 छोटी इलायची है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये उसी माप का दूसरा गिलास पानी का, ये भी ऐड किया, मिक्स करेंगे। हमने 1 गिलास शक्कर डाली है और उसी माप के 2 गिलास पानी के डालेंगे। मिक्स करेंगे थोड़ा सा, जब तक ये चीनी घुल जाए पानी में। चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है, अब हल्की आंच पे, बिल्कुल मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये थोड़ी सी पक जाए और चिपचिपी, थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए। हमने पैन चढ़ाया है, तो 2 टेबल स्पून बटर है हमारे पास, होममेड बटर है, ये डालेंगे, थोड़ा मेल्ट हो जाए। तो उसमें हम अपनी सूजी डालेंगे, ये डो बनाएंगे सूजी का। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, हमारे पास 1 गिलास मिल्क है, तो ये ऐड करेंगे इसमें। मिक्स करेंगे बटर के साथ। अब हम, हमारे पास है सूजी, छोटा सा एक बॉल सूजी का है, ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमारी सूजी थिक हो रही है, हमारे पास है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून है, ये ऐड करेंगे। और हमारे पास ये बीज हैं छोटी इलायची के, 3 छोटी इलायची को तोड़ के हमने बीज निकाल दिया है, ये भी इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, जब तक ये डो की शक्ल में आ जाए। तब तक इसे थोड़ा सा, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे पका रहे हैं, बिल्कुल लो फ्लेम में, जब तक ये आटे की शक्ल में आ जाए, जैसे डो बनता है आटे का उस तरीके का बनेगा, तब तक इसे हल्की आंच पे पकाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, वरना ये बिल्कुल एक जगह पे चिपक जाएगा। चम्मच चलाते रहना है और हमारी आग देखो, बिल्कुल ये वाली आग है, इस पे हम बना रहे हैं। डो हमारा रेडी है, बिल्कुल एक साथ हो गया है, एक जगह पे आ गया है, तो ये हमारा रेडी है डो। अब एक प्लेट में निकालेंगे और 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। ये इस पैन में से उतारना है, अगर इसमें रखेंगे तो ये जल जाएगा, किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करना है, तो हम इसे निकालते हैं। सारा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसे ठंडा करेंगे 5 मिनट के लिए। हमने जो शुगर सिरप बनाया था उसे देखते हैं थोड़ा, ये भी तकरीबन तैयार हो रहा है,
लेकिन अभी भी थोड़ा पकेगा। हम इसमें अभी डालेंगे अर्के गुलाब, तो 1 टेबलस्पून उसका भी डाल देंगे इसमें सिरप में। हम जो भी सिरप बनाते हैं शुगर का, उसमें ये ज़रूर डालते हैं, इसकी खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है। और ये अभी 2 मिनट के लिए थोड़ा पकेगा, अभी भी थोड़ा पतला है। शुगर सिरप हमारा रेडी है, इसमें हमें बस थोड़ा सा चिपचिपाहट चाहिए, तार नहीं चाहिए। चूल्हे को बंद करेंगे और हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये डो हमारा ठंडा हो चुका है तकरीबन, इसमें अभी हम डालेंगे 1 टीस्पून है हमारे पास कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा ये इसके ऊपर डालेंगे और मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करेंगे जैसे डो को मिक्स करते हैं, हाथों को अच्छी तरह हैंड वॉश कर लें। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं डो बनाते वक्त। रेडी है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और जितने साइज के हमें बॉल चाहिए उतने बनाएंगे, छोटी बड़ी साइज अपनी मर्जी से बनाएंगे। बस इसमें बॉल में क्रैक नहीं आना चाहिए, अगर क्रैक आया तो ये फट जाएंगे ऑयल में। तरह के हमें बॉल बनाने हैं और एक प्लेट में रखते जाने हैं। और 1 कप ऑयल है हमारे पास, ये पैन में डालेंगे और हल्का सा गरम करेंगे। और ये हमारे पेड़े बनके तैयार हैं जो हम अभी फ्राई करेंगे, जो बनाए हैं सूजी के पेड़े। आधा कप ऑयल और ऐड करेंगे, थोड़ा लग रहा था तो इसलिए आधा कप और डाला है। इसे गरम करेंगे, गरम भी हल्का गरम करेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है तो हम एक एक करके इसमें रखते जाएंगे। पेड़े हमने सारे डाल दिए हैं इसमें, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ऐसे हिलाते भी जाएंगे जैसे नीचे लगे ना हमारे पेड़े। चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे पलटाएंगे भी, जैसे नीचे ना लगे, एक साइड पकी है तो दूसरी भी पक जाए, लेकिन बहुत ही एहतियात से। और देखेंगे कि जो जो हमने पहले डाले हैं उसे ही पलटें। हमने सारे पेड़े पलट लिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे पकाएंगे। हमने आंच बिल्कुल स्लो रखी है तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हिलाएंगे भी, और जैसे चिपके ना नीचे, और पकाएंगे। हमारे रसगुल्ले गुलाब जामुन पक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी मैं रसगुल्ले बोल गई। हल्का हल्का ऐसे चम्मच लगाते जाएंगे और पलटते जाएंगे, एक साथ नहीं छोड़ना है, ये जल जाएंगे वरना। काफ़ी पक चुके हैं लेकिन हमने
फ्लेम लो ही रखा है, हाई नहीं करना, जल्दबाजी करेंगे तो ये हमारे जल जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पक जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे गुलाब जामुन काफ़ी फ्राई हो गए हैं, थोड़ा सा और फ्राई होंगे तो हम जो हमने सिरप बनाया है शुगर सिरप, उसका भी फ्लेम ऑन कर देते हैं, वो भी हमें गर्म करना है। गुलाब जामुन माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अच्छा सा कलर भी आ चुका है इनके ऊपर माशाल्लाह, से ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अगर पकाएंगे तो जल जाएंगे। तो अब हमें निकालते हैं ऑयल में से। प्लेट में से निकालेंगे सारे। हमारा शुगर सिरप भी गर्म हो चुका है तो ये जो हमने बनाए हैं पेड़े ये इसमें डालेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके, एक साथ नहीं डालेंगे वरना टूट भी सकते हैं। और 5 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि जो जितना भी इसमें सिरप जाना होगा ये अंदर जाएगा और ये उतने ही जूसी बनेंगे। सारे इसमें अंदर डाल देने हैं और थोड़ा सा चम्मच भी हिलाएंगे ताकि सब में अंदर जज़ब हो जाए सिरप। कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, अब ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं अपने गुलाब जामुन को। थोड़ा सा हिलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, बड़े ही एहतियात से, क्योंकि ये गर्म है बहुत, टूट भी सकते हैं। तो माशाल्लाह से परफेक्ट ये बन गए हैं और फ्लेम अपना बंद करेंगे और इसी में कढ़ाई में इसे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे ढक के, ताकि जितना भी अभी पीना होगा सिरप उसे, तो ये गुलाब जामुन सिरप पियेंगे। और हम इसे बंद कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं तो हम देखते हैं अब इनको। डिश आउट करते हैं, एक बाउल लेंगे छोटा सा, उसमें डालेंगे अपने गुलाब जामुन। तो तैयार हैं हमारे गुलाब जामुन, थोड़ा सा गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ। मैं ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे गुलाब जामुन। ये सूजी के गुलाब जामुन हैं, बहुत तरीके के गुलाब जामुन बनते हैं, मावे से भी बनते हैं और मिल्क पाउडर से भी बनते हैं, हमने सूजी से बनाए हैं और माशाल्लाह परफेक्ट बने हैं। इंशाल्लाह आप ट्राई करें अपने घर में और हमें कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।
अल्लाह हाफिज़।